Hello everyone, today I'm going to answer one very common question, which is should I go for offline coaching or should I go for online classes. So let's get started. Students, मेरे से कोई भी यू नो जूनियर या कोई भी मेरा बैचमेट अगर पूछता है ना सॉरी बैचमेट नहीं कोई भी मेरा सिबलिंग अगर मेरे से पूछता है कि मुझे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए मावला का या ऑफलाइन, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप फी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो कानपुर में रहना, तो आप ऑफलाइन कोर्स ही ज्वाइन करो इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन. ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ. देखिए, ऐसा है कि आपका जो स्टडी मटेरियल होता है, जो सर जो पढ़ा रहे हैं, वो सब आपका कॉमन रहेगा भले ही आप ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो. फ़र्क कहाँ पे आता है, डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो होता है एनवायरनमेंट में. कोचिंग में क्या होता था, मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ. जब मैंने ज्वाइन की थी मामला, हम लोग का रूटीन क्या होता था, हम लोग लाइक 7:30 पे हमें कोचिंग रिपोर्ट करना होता था. जैसे हम कोचिंग में जाते थे, हमारे रिजल्ट लगे रहते थे लास्ट टेस्ट के, उसमें देखते थे हमारी रैंक क्या है, क्या पोजीशन है. रिजल्ट देखने के बाद हम अपनी ओएमआर शीट्स कलेक्ट करते थे लास्ट टेस्ट की. ओएमआर शीट्स कलेक्ट करने के बाद हम देखते थे आंसर कीज, जो लास्ट टेस्ट हुआ है जिसकी रिजल्ट लगा रहता था, जिसकी जो थी आपकी ओएमआर शीट्स हमें मिलती थी, उसी की आंसर कीज भी लगी रहती थी. आंसर कीज हम नोट डाउन करते थे, फिर जाके हम मैच करते थे कि हमारा कौन सा आंसर गलत हुआ और यू नो लाइक मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया, कितने गलत अटेम्प्ट किए, ये पूरा एनालिसिस होता था. इसके बाद जो टेस्ट आज चेक होना है, जो हो चुका है और उसकी चेकिंग आज होनी है कॉपीज की, उसको मैं सॉल्व करना शुरू करती थी. उसके बाद ऐसे करते करते आपका आराम से यू नो 10:30 हो जाता था. फिर प्रेयर का टाइम होता था, मॉर्निंग प्रेयर होती थी, उसके बाद सर की क्लास होती थी, फिर हम अपना टेस्ट पेपर एनालिसिस जो भी बचा है वो शुरू करते थे या असाइनमेंट्स कोई है वो सब कंप्लीट करते थे. फिर दोपहर में लंच होता था, फिर उसके बाद शाम को हमारा लंच के बाद फिर से हमारा जो होता था एक टेस्ट होता था. वो टेस्ट होने के बाद फिर सर की क्लास होती थी. सर की क्लास होने के बाद आंसर कीज सब लोग अपने निकाल के बैठते थे और जो टेस्ट पेपर हुआ होता था उसकी चेकिंग शुरू होती थी. उस टेस्ट पेपर की चेकिंग में सब स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होता था. अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था तो सर कैमरा से देखते रहते थे, हमेशा मॉनिटर हमें करते रहते थे कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. और जो नहीं पार्टिसिपेट करता था आंसर कॉपीज चेकिंग में, उसको सर क्वेश्चन करते थे घर जाने से पहले. तो आप जितना यू नो मक्कारी करेंगे कोचिंग में बैठ के, आपको घर जाने में उतनी देरी होगी, क्योंकि जाने से पहले सर एक बार उन स्टूडेंट से मिलते ज़रूर थे जो यू नो जो उन्हें दिन भर की परफॉर्मेंस देख के कैमरे में लगता था कि नहीं, इसने आज मक्कारी की है, ये ठीक से पढ़ नहीं रहा था. ठीक है, तो इन सब के बीच में ये रूटीन हमारा इतना टाइट होता था ना कि हमें मक्कारी का मौका ही नहीं मिलता था. लाइक ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना आजकल, लाइक मेरे साथ भी होता था. अब मैं कॉलेज की क्लासेस मैंने ऑनलाइन अटेंड की 4 सेमेस्टर, तो ये होता था कि क्लास के बीच में फ़ोन अक्सर देखने लगते थे, कभी किसी का फ़ोन आ गया तो बात हमें करने लगे किसी से. तो कोचिंग में ये सब डिस्ट्रैक्शंस थे ही नहीं, क्योंकि हमारे फ़ोन्स डिपॉजिट हो जाते थे और दिन भर हमारे पास इतना काम रहता था कि किसी और चीज़ को लेके हम सोच ही नहीं पाते थे. लाइक अभी भी क्या होता है कि घर में कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दिमाग में वही चलती रहती है, तो हम पढ़ नहीं पाते पूरा दिन. कोचिंग में क्या होता था कि आप जाते थे, जाते साथ आप रिजल्ट देखते थे, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो मूड वहीं ख़राब. फिर उसके बाद इतने सारे काम होते थे कि ये करना है, ये करना है, आंसर कीज निकालनी है, टेस्ट देना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, नहीं तो सर फिर डांटेंगे, ये होगा वो होगा. इस चक्कर में और कुछ प्रॉब्लम रहती भी थी घर में, कुछ इशू रहता भी था, तो वो सर मतलब आता ही नहीं था सोचने में. जब सब खत्म हो जाता था, वापस जा रहे होते थे, तभी दिमाग में कुछ और आता था. और फिर उसके बाद अगर आपके दिमाग कुछ और आ भी रहा है तो 9 बजे 9:30 बजे आप घर जा रहे हो, सुबह 7 बजे क्या है, तो इतना ताकत ही नहीं रहती कि आप पढ़ भी पाओ. तो उस टाइम अगर कुछ और आ भी रहा है तो मतलब नहीं है, मतलब आपका उसमें कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आपका पूरा दिन ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है एक बेटर तरीके से. ऑनलाइन में क्या होता है कि मैंने देखा है लाइक 10-15 ही लोग आंसर कीज भेजते हैं ग्रुप्स में. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप टाइमली आंसर कीज निकाल नहीं पाते हो. वहीं ऑफलाइन में क्या होता था कि हमें ये रहता था कि नहीं सब निकाल देंगे, तुम अकेले बैठे रहोगे तो एम्बेरसिंग भी होता है, और अगर सर क्वेश्चन करेंगे तुम्हें खड़ा करके पूछने लगे, एक बार डांट वाट दिया तो और एम्बेरसिंग होता है. तो इस डर में हमारा जो यू नो काम थे कभी पेंडिंग में नहीं रहते थे, हम हर चीज़ टाइमली करके रखते थे. तो हमारा पर डे 100 क्वेश्चंस मिनिमम हमेशा रोज़ लग ही जाते थे किसी न किसी वजह से. और हमारा रिवीजन लास्ट तक इतना अच्छा हो जाता था कि हमें किसी एग्ज़ाम के पहले कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेली हम इतना मेहनत कर रहे थे शुरुआत से लेकर अंत तक कि लास्ट तक ऐसा कुछ बचा ही नहीं था कोई पोर्शन जो हमारा वीक हो. ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमें ऑनलाइन में नहीं मिल पाती. ऑनलाइन में सर
कितना भी डांटें कितना भी कुछ करें, वो 24 घंटे हमें नहीं देख रहे हैं। तो अगर हम कुछ गड़बड़ कर भी रहे होते हैं, फ़ोन चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं गड़बड़, तो वो डिस्ट्रैक्शन वो नहीं दूर कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है आपका जो ऑनलाइन क्लास होता है ये। दूसरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैंने देखा है कि जो सेल्फ मोटिवेशन हमें ऑफलाइन क्लासेस में मिलती थी वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाती है। वहाँ पे क्या होता था कि हम जाते थे सुबह सुबह, रिजल्ट्स देखते थे, फिर वही बंदे को हम देखते लाइक क्लास में हम पढ़ते थे, तो जब रिजल्ट होते थे सर खड़े होकर अनाउंस करते थे, ठीक है, फिर सबका नाम बोला जाता था, जिसकी लाइक जो टॉप 5 रैंकर्स होते थे उनका नाम बोला जाता था, सर अपलॉड करते थे, उनको कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए जाते थे, लाइक कभी पेन दिए गए या फिर कभी बुकलेट्स दी गई, कुछ भी छोटा सा गिफ्ट दिया जाता था। तो यू नो गिफ्ट का साइज़ मैटर नहीं करता, वो ऑनर मैटर करता है। लाइक आपने टॉप किया होता है तो वो फीलिंग ही काफ़ी होती है, आपका नाम सर अनाउंस कर रहे होते हैं, वो आपके लिए क्लैप कर रहे होते हैं, वही काफ़ी होता है। तो ये चीज़ ना, तो आपके वहाँ से क्या होता था, जो एक सेल्फ मोटिवेशन था ना वो बना रहता था। मतलब अगर ऐसा होता था कि मेरा 2-3 टेस्ट में नाम आया टॉप में और फिर नेक्स्ट टेस्ट में मेरा नाम 10th पोजीशन में, तो खुद ही इतना यू नो ख़राब लगता था और इतना और मेहनत करने का इतना जज्बा आ जाता था कि और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं खुद ही कहाँ पे मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ क्या मैंने कमी कर दी, वो मैं खुद ही सोच के खुद ही उनको सॉल्व करने की कोशिश करती थी और नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करती थी। ये सब चीज़ें ऑनलाइन में पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं। मतलब आप कॉम्पिटिशन ऑफलाइन में जितना अच्छा हम कर पाते हैं, ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ऑनलाइन में आ जाती हैं और ऑफलाइन में हमें बेनिफिट मिलता है। तो दिस इज़ ऑल जो मैं आप सबसे आज डिस्कस करना चाहती थी। सो आई होप आपका क्वेश्चन जो आपको ऑनलाइन चूज़ करना है कि ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन चूज़ करना है तो क्यों करना है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा इस सेशन से। एक और चीज़ कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू विजिट द इंस्टीट्यूट वंस, आप एक बार देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल रही हूँ, आपको उसे फिल करना है। आपको हम एक डेट प्रोवाइड करेंगे अगर आप चाहते हैं कोचिंग विजिट करना, आपको उसी डेट पे आके आप कोचिंग को उस टाइम पे और उस डेट पे आके आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे क्या होता है। जो भी डिटेल्स हैं हम आपको मेल करेंगे, तो एक्टिव रहिए, अपनी मेल आईडी यूज़ करते रहिए। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। Thank you.